नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज के श्री बायो क्लासेस में। और आज हम बीएससी सेकंड ईयर के फाइलम क्वाडिटा के बारे में समझेंगे। बीएससी सेकंड ईयर के जो फाइलम क्वाडिटा है, इसके कुछ जनरल करेक्टर्स हैं। जैसे कि पहला करेक्टर क्या है कि ये एनिमल इकोनम का वेल डेवलप्ड फाइलम है। ठीक है, वेल डेवलप्ड फाइलम है मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा विकसित फाइलम है, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स को रखा गया है और इसीलिए इसे हम कह सकते हैं वेल डेवलप्ड फाइलम है, और सभी हायर एनिमल्स हैं। ठीक है, सेकंड दूसरा है 49 स्पीशीज, इसमें 49,000 स्पीशीज रखी गई हैं। तो कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज हैं, 49,000 स्पीशीज, इसलिए ये वेल डेवलप्ड फाइलम कहलाता है। और इस 49,000 स्पीशीज में कौन क्या क्या चीज़ें हैं, 25,000 फिशेज स्पीशीज हैं, 2,000 से अधिक एम्फीबियंस रखे गए हैं इसमें, 6,000 रेप्टाइल्स रखे गए हैं, 9,000 बर्ड्स रखे गए हैं, और ज़्यादा खोए जा रहे हैं, और ज़्यादा रखे जाएंगे इसमें, लेकिन अभी तक तो 9,000 रखे गए हैं, और 4,500 मैमल्स को रखा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार 49,000 स्पीशीज को इस क्वाडिटा संघ के अंदर रखा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है, इसमें कुछ मेन फंडामेंटल करेक्टर्स के आधार पर मेंबर्स को रखे गए हैं। मतलब इसमें जो मेंबर्स रखे गए हैं, जो एनिमल्स रखे गए हैं, वो कैसे रखे गए हैं, कुछ मेन फंडामेंटल करेक्टर्स हैं, कुछ फंडामेंटल करेक्टर्स हैं, उनके चार फंडामेंटल करेक्टर नीचे दिए गए हैं, बताएं हमने, इनके आधार पर इनको मेंबर्स को क्वाडिटा संघ में रखा गया है। तो फंडामेंटल करेक्टर कौन सा, पहला कौन सा है कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, सभी एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, भले चाहे किसी भी स्टेज में पाई जाए या जीवन भर पाई जाए, तो नोटोकॉर्ड किसी ना किसी स्टेज में अवश्य पाई जाएगी। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है, तो सभी में डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी पाई जाएगी। इसके बाद आता है गिलक्लिफ्ट, मतलब जो गिलक्लिफ्ट होते हैं, ग्रसनी क्लोमद्रार हैं, वो भी पाई जाती हैं, और किसी ना किसी स्टेज में जरूर पाई जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि जीवन भर पाई जाए, किसी ना किसी स्टेज में जरूर पाई जाती है। मछलियों में जीवन भर पाई जाती हैं, बाकियों में केवल भ्रूणावस्था में पाई जाती हैं। तो किसी ना किसी अवस्था में गिलक्लिफ्ट जरूर पाई जाती हैं, ग्रसनी क्लोमद्रार जरूर पाई जाती हैं। अगला है चौथा, पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल मतलब क्या है कि जो कशेरुक दंड के पीछे के लास्ट में जो टेल होती है, वो अवश्य पाई जाती है। तो किसी ना किसी अवस्था में जरूर पाई जाती है, जो जिनमें पूछ पाई जाती है, जीवन में पाई जाती है, जैसे बंदर हैं, मैमल्स हैं, पूछ जिंदगी में पाई जाती है, गाय भैंस बकरी हैं, जीवन जिंदगी भर टेल्स पाई जाती है, पोस्ट एनल की टेल्स पाई जाती है, लेकिन मनुष्य है उसके भ्रूणावस्था में केवल पाई जाती है, और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। तो मतलब पोस्ट एनल टेल जो है जीवन भर या किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है, और सभी में पाई जाती है, फिशेज में भी पाई जाती है, एम्फीबियंस में भी पाई जाती है, और रेप्टाइल्स में भी पाई जाती है, बर्ड्स में भी पाई जाती है टेल, और मैमल्स में भी टेल पाई जाती है। तो किसी न किसी अवस्था में या जीवन भर पोस्ट एनल टेल जरूर पाई जाती है। तो ये चार जो फंडामेंटल करेक्टर्स हैं, ये क्वाडिटा में रखे गए एनिमल्स को चार फंडामेंटल करेक्टर्स के आधार पर ही रखा गया है। तो इतना तो आप समझ गए कि ये फंडामेंटल्स करेक्टर्स हैं, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एनिमल्स को क्वाडिटा के अंदर रखा जाना है, तो ये चार फंडामेंटल करेक्टर्स अवश्य उसके अंदर होने चाहिए, जीवन के किसी ना किसी स्टेज में जरूर होने चाहिए। अब जनरल करेक्टर्स हैं जो एनिमल्स में, जो क्वाडिटा संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं। देखिए पहला क्या है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल। तो या तो ये एक्वेटिक होंगे, जैसे फिशेज एम्फीबियंस एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल अर्थात ये जमीन पर रहने वाले होंगे, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, है ना, एरियल जैसे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल में मैमल्स भी आ जाते हैं, एरियल में बर्ड्स आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एरियल भी हो सकते हैं। तो ये जनरल करेक्टर्स हैं। पहला करेक्टर्स हो गया एरियल,
एक्वेटिक होना, जलीय होना, टेरेस्ट्रियल स्थलीय होना और एरियल वायवीय होना इनका इनका होना, ठीक है, जनरल करेक्टर है। दूसरा है बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि त्रिस्तरीय होती है, ठीक है। त्रिस्तरीय का मतलब मीजोडर्म, एंडोडर्म और इक्टोडर्म, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अंदर से लेकर चलें तो एंडोडर्म सबसे अंदर वाली, मीजोडर्म बीच वाली और एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली। ये तीन लेयर्स जरूर होती हैं इनके अंदर बॉडी में, तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्ड वाली होती हैं ये। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, सिमेट्री द्विपार्श्वीय सममिति इसमें पाई जाती है। तो द्विपार्श्वीय सममिति का मतलब क्या होता है या बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी को केवल एक ही प्लेन से, केवल एक प्लेन से ही इनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जिससे कि दो बराबर भागों में बांटा जा सके वो केवल एक ही प्लेन हो सकता है। ये नहीं है कि किसी भी प्लेन से, किसी भी इस तरह से आप उसे काट दें और वो दो बराबर भागों में बट जाए, जैसे कि हम अपने आप को बक्श के अनुसार काट दें, ट्रांसवर्स काट दें तो ऊपर का सिर आ जाए लेकिन नीचे वाले धड़ में सिर होगा ही नहीं, ठीक है। तो केवल एक प्लेन ऐसा होगा जिसके कारण, जिससे अगर हम पूरे शरीर को बांटें तो पूरा शरीर बराबर भागों में बट जाए, मतलब दाएं एक एक भाग में जो सारे अंग हों वही सारे अंग दूसरे भाग में भी होने चाहिए। बाइलेटरी सिमेट्री इसमें पाई जाती है। तीसरा आता है ट्रूसीलोम। ट्रूसीलोम का मतलब क्या होता है, सत्य गुहा, सत्य गुहा इसके अंदर पाई जाती है। एंटीरोसील टाइप कैविटी से एंटीरोसील भी कहते हैं हम, सत्य गुहा पाई जाती है, यह ट्रूसीलोम इनके अंदर पाई जाती है। पांचवा आता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बंद रक्त रुधिर बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है कि हृदय से ब्लड जाएगा और धमनियों से होता हुआ, कैपिलरीज में होता हुआ, वेंस में होता हुआ वापस हृदय में आ जाएगा। तो मतलब ये क्या है कि केवल नलियों में ही, सिराओं, धमनियों, सिराओं में ही और केशिकाओं से बहता हुआ वापस हृदय में आ जाएगा। ये नहीं है कि धमनियों, सिराओं से निकलकर बाहर किसी जगह, किसी बॉडी कैविटी के अंदर पहुंच जाए। और जो ओपन ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो धमनी से निकलकर बॉडी कैविटी में आ जाता है, गुहा के अंदर आ जाता है, फिर गुहा से फिर धीरे धीरे फिर वापस नलियों से होता हुआ या हृदय में या डायरेक्ट हृदय में पहुंच जाता है, उसे कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यह है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड बंद है अर्थात नलियों के अंदर ही ब्लड बंद रहता है, नली हृदय से निकलता है, धमनियों से होता हुआ, कैपिलरीज से होता हुआ, वेंस से होता हुआ, शिराओं से होता हुआ वापस हृदय में आ जाता है, मतलब नलियों से बाहर ये नहीं निकलता, केवल नलियों में ही बंद रहता है। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेता है क्लोज एकदम, ठीक है, जो गुहा में नहीं जाता ब्लड, इसका मतलब ये होता है। सिक्स का मतलब होता है, सिक्स जो करैक्टर है, इस करैक्टर में क्या है कि हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो आरबीसीज में पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है और लाल रुधिर कणिकाएं इसमें प्रेजेंट रहती हैं, अर्थात जो मैमल जो एनिमल्स हैं उनमें लाल रुधिर कणिकाएं प्रेजेंट रहती हैं और लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। सेवन करैक्टर कौन सा, जनरल करैक्टर हार्ट वेंट्रली, हार्ट जो होता है वो वेंट्रली स्टेट होता है, जो हमारा जो सामने वाला चेहरे वाला जो साइड होता है वो होता है वेंट्रली साइड होता है और पीछे पीठ वाला जो साइड होता है वो डॉर्सली साइड होता है। तो हृदय कहाँ पर स्थित होता है, वेंट्रली अर्थात वेंट्रल साइड पर हृदय स्थित होता है। इसीलिए जब हम सीने पर हाथ रखते हैं तो हमें दिल की धड़कन सुनाई देती है और पीठ पर हाथ रखते हैं तो हमें दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती है या हल्की, बहुत हल्की सुनाई देती है, इसीलिए सुनाई देती है क्योंकि हार्ट जो होता है वो वेंट्रली स्थित होता है, वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। आठवां जनरल करैक्टर है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट रहता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये हेपेटिक शब्द किसके लिए आता है, लीवर के लिए। तो लीवर का
जो ब्लड पोर्टल सिस्टम एक इसमें भी पाया जाता है, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल से सबसे पहले ब्लड किस में जाएगा, लीवर में जाएगा, फिर लीवर से फिर हृदय में जाएगा, डायरेक्ट हृदय में एनिमल एलिमेंट जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे पोषक तत्वों को लेकर हृदय ब्लड सीधे डायरेक्ट हृदय में नहीं जाएगा, जिससे कि पूरे ब्लड शरीर में ब्लड पोषक तत्वों का संचरण हो सके। पहले ये लीवर में जाता है, लीवर से जाने के बाद ये हृदय में जाता है, तो इसे कहते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। नामा क्या है, बर्ड और मैमल्स को छोड़कर, बर्ड में और मैमल्स इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी में क्या पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। रीनल कहते हैं किडनी, किडनी का ऐसा अलग पोर्टल सिस्टम होता है, पहले किडनी में जाती है ब्लड छनने के लिए, उसके बाद दूसरी जगह जाता है, तो इसे रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में पहले ब्लड लीवर में जाता है, उसके बाद हृदय में जाता है, ठीक है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम किस में नहीं पाया जाता, बर्ड और मैमल्स में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता, ये हमें याद रखना है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आता है एक्सो स्केलेटन सिस्टम, तो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सो स्केलेटन सिस्टम क्या पाया जाता है, किसी ना किसी रूप में एक्सो स्केलेटन जरूर पाया जाता है। और एंडो स्केलेटन सिस्टम जो है, एंडो स्केलेटन सिस्टम वो किसका बना होता है, एंडो मतलब अंदर, जो अंदर बॉडी के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज और बोन का बना हुआ होता है। जैसे कि नोज़ होती है तो नोज़ का जो अगला भाग होता है सॉफ्ट होता है, कान का जो पिन्ना वाला भाग होता है ये सॉफ्ट होता है, तो ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और जो हार्ड पार्ट होते हैं बोन्स हड्डियों के वो क्या बोनी होते हैं, बोन्स के बने होते हैं, तो कार्टिलेज और बोन जो होते हैं वो एंडोस्केलेटन सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ये 14वां करेक्टर, जनरल करेक्टर है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है कि इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि डाई मतलब दो एनिमल्स होंगे जो सेक्सुअली होंगे, मतलब नर होंगे एक मादा होंगे, दो अलग अलग एनिमल्स होंगे, ठीक है। लैंगिक द्विरूपता, दो रूप में लैंगिकता पाई जाती है, एक तो नर होगा और एक एनिमल मादा होगा, तो इन सभी कॉर्डेट्स में क्या होता है कि एक नर और एक मादा जरूर होता है, ठीक है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाती है। 15वां है डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या तो किसी एनिमल्स में क्या होता है कि डायरेक्ट होता है, और कॉर्डेट के कुछ एनिमल्स में इनडायरेक्ट होता है, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो दो प्रकार से डेवलपमेंट इसका पाया जाता है। इसमें कॉर्डेट एनिमल्स में दो प्रकार से डेवलपमेंट पाया जाता है। 16वां जो जनरल करैक्टर है वो ये है कि कॉर्डेट के जो होते हैं वो या तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं हिंदी में असमतापी, असमतापी मतलब अमन नहीं और समतापी, जिनका समान टेम्परेचर ना रहता हो, अर्थात उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता हो, जैसे कि वातावरण के अनुसार जो फिशेज होती हैं, पीसीज वर्ग में फिशेज आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आती हैं, तो पीसीज वर्ग में फिशेज आती हैं, एम्फीबियन हो गए उभयचर प्राणी वर्ग के प्राणी, और रेप्टाइल्स सरीसृप प्राणी वर्ग सरीसृप वर्ग के प्राणी, तो इनमें जो होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने शरीर के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार, जिससे कि उस वातावरण में अपने आप खुद को वो जीवित रख सकें, इसलिए असमतापी या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये कहलाते हैं। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, समतापी जो जंतु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो बर्ड्स होती हैं और मैमल्स होते हैं। बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो समतापी होते हैं, समान टेम्परेचर वाले होते हैं, इनका एक निश्चित टेम्परेचर होता है और इनका ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है, बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी। तो मैमल्स में मतलब मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है, 98 होता है, समथिंग होता है, फारेनहाइट होता है, 98 फारेनहाइट, तो ये जो होता है एक निश्चित टेम्परेचर है, ये नहीं कि 100 पहुंच जाए का जब मर्जी हो तो 100 हो जाए और जब मर्जी हो तो 90 ही रह जाए, इसे चेंज नहीं होता है एनिमल्स में, तो मैमल्स में और बर्ड्स में, तो इसे कहते हैं समतापी, एक निश्चित टेम्परेचर इनका होता है, इसलिए इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, और पीसीज एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। 17वां जो आता है
जनरल करेक्टर वो है कि वेल डेवलप्ड एनी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है इसके अंदर। तो जो कॉर्डेटस कॉर्डेटस संघ के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, उसमें सभी अंग पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, पाचन तंत्र में। और इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो डाइजेशन के लिए एंजाइम्स का या हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाती हैं, जैसे पैंक्रियाज है डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाती हैं और एलिमेंट कैनाल पूर्ण रूप से विकसित होती ही होती है। ठीक है, तो ये सारे हमने 17 जनरल करेक्टर्स बता दिए इसके कॉर्डेटा संघ के। अब क्लासिफिकेशन में देख लो कि इसका कॉर्डेटा का क्या है, कि कॉर्डेटा को दो ग्रुप में बांटा गया है, ये ग्रुप हैं दो। पहला ग्रुप है प्रोटो कॉर्डेटा, दूसरा ग्रुप है यू कॉर्डेटा। प्रोटो से हम पता ही है जो प्रिमिटिव हो, जिसमें कम डेवलपमेंट हो, और जो ज़्यादा डेवलप हो जाता है उसे यू कॉर्डेटा, यू शब्द आ जाता है उसके लिए। तो जैसे हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़े थे पहले, ये प्रोटो कॉर्डेटा जो जिसे हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, ए क्रेनिएटा कहलाते हैं, और यू कॉर्डेटा जिसे हम क्रेनिएटा कहते हैं। मतलब क्या है कि ए क्रेनिएटा क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि कपाल जो होती है इनके ऊपर नहीं पाई जाती, उनमें कपाल पाई जाती है। प्रोकैरियोटा प्रोटो कॉर्डेटा को ए क्रेनिएटा कहते हैं, यू कॉर्डेटा को क्रेनिएटा कहते हैं। तो ये दो ग्रुप हैं जो कॉर्डेटा को दो ग्रुप में बांटा जाता है। अब पहला जो ग्रुप है प्रोटो कॉर्डेटा या फिर एक्रेनिएटा, तो इनको सब फाइलम में बांटा गया है। तीन सब फाइलम है, हेमी कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा। तो ये से हमें क्या पढ़ना है, हेमी कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा को हमें कहाँ पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट में हेमी कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा को पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट सेकंड में ही है ये तीनों, हेमी कॉर्डेटा, यू सिफेलो कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा, तीनों मिलाकर फर्स्ट और सेकंड में ही है, फिर तो फर्स्ट पेपर में ही है। तो कॉर्डेटा को हमें जो सबफाइलम में बांटा गया है प्रोटो कॉर्डेटा के एक्रेनिएटाइड को, सबफाइलम तीन सबफाइलम में बांटा गया है, हेमी कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा। वहाँ पर इन तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, यू कॉर्डेटा जो है क्रेनिएटा, इसे सबफाइलम जो है इसका एक ही सबफाइनल है, फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का सीधा सा मतलब है कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है उन्हें सबको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं, और यू कॉर्डेटा के अंतर्गत वर्टिब्रेटा जो सबफाइलम एक ही सबफाइलम है और इसमें सभी एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। तो इस प्रकार आज कॉर्डेटा संघ के जनरल करेक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें शेयर करें और सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने साथियों के पास तक मेरी वीडियो को जरूर पहुंचा दें, उनसे भी कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं एक एक करके जब वीडियो डालता रहूँगा जूलॉजी के बॉटनी के वीडियो डालता रहूँगा, तब जिससे तो एक एक करके आपको सारा सिलेबस करवा दिया जाएगा, जिससे कि आप घर बैठे भी सभी सिलेबस पढ़ सकते हैं। इसे आप लोग अपने एक रजिस्टर बनाकर उसको लिखते रहें, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, घर बैठे सब कंप्लीट हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, या फिर उनके घर ऐसी जगह पर होते हैं जो नहीं पढ़ सकते, कोचिंग नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए यह सही रहता है कि अपने मोबाइल से ही सब कुछ पढ़ लें। ये सुविधा बहुत अच्छी सुविधा है। निकल गया, ये कब निकल गया।